हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। आज हमारे साथ में हमारी एक स्टूडेंट है रितिका, जिन्होंने अभी 8th क्लास पास किया है और उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखना शुरू किया। तो रितिका, कैसे आया आपके मन में ये ख्याल कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है? सर, एक्चुअली सर, जब मैं 8th क्लास में थी तो सर पापा, वैसे सर मेरे मन में कोई ख्याल था नहीं कि मैं इंग्लिश सीखूंगी कुछ भी। फिर पापा ने बताया कि मतलब सर मुझे भी लगता था, मतलब थोड़ा तो लगता ही था, लेकिन कभी सर इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में पता नहीं था, इसलिए कभी सोचा नहीं। फिर पापा ने बताया कि इंग्लिश सीखना चाहिए वगैरह वगैरह, तो तो फिर यहाँ मेरे पास तक आप कैसे आए? आपके पापा ने कहा या आपका खुद का मन हुआ? कैसे पता चला हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको? सर, वैसे मेरा भी मन था, अगर मेरा मन नहीं होता तो सर मैं यहाँ तक कैसे आ पाती। मेरा भी मन था, जब पापा ने बोला तो मेरा भी मन हुआ, लेकिन सर यहाँ पे जब मैं आई थी तो सर बहुत हेजिटेशन हो रही थी सर फर्स्ट डे पर, बट सर जब मैं आना शुरू हुई सर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ सर, बहुत ज़्यादा। अब मुझे लगता है मतलब मैं इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छे से सीख जाऊँगी, एंड यू आर सर बेस्ट टीचर सर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। नहीं, अब जैसे आप क्लासेस अटेंड करती हैं, आप तो लाइव क्लासेस अटेंड भी करती हैं, तो लाइव क्लासेस में क्या एक्चुअल में फील हुआ जब आप फर्स्ट डे आई, सेकंड डे आई, थर्ड डे आई, तो आपको कैसा लगना महसूस, कैसा लगना शुरू हुआ? सर ऐसे मतलब मैं फर्स्ट डे आई थी यहाँ पे तो सर बहुत हेजिटेशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा, पर जब मैं क्लास में पहुंची तब थोड़ी तेज आवाज में बोले सर, जब मैं क्लास में पहुंची तो सर आप आए सर, ऐसा लग रहा था कि सर पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन सर सच्ची में बहुत अच्छी क्लासेस हैं आपकी। क्लास में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सर आप जोक्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है सर पढ़ाई वगैरह 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 इंग्लिश ही, आप जोक्स भी करते हैं और अच्छा लगता है मतलब क्लासेस में बहुत ज्यादा। राइट, तो अब आपको कितना समय हो गया है सीखते हुए? सर आई थिंक 1 month। तो आप क्या करती क्या हो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए? भी मैं स्टूडेंट्स को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, होमवर्क भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, यू नो यूट्यूब का वीडियो भी देखना है, तो आप क्या क्या करती हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए? सर मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, होमवर्क भी, और सर इंग्लिश सॉन्ग भी सुनती हूँ मैं, और इंग्लिश मतलब इनपुट लेती हूँ। आपको बहुत तरीके से इनपुट लेना है, और ये 8th क्लास की स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है, और उसके बावजूद भी ने मेरी बात समझ में आ गई कि इनपुट लेना जरूरी है, और इन्होंने इनपुट लेना शुरू कर दिया है। तो हाउ डू यू फील नाउ, अब कैसा महसूस होता है आपको? तो क्या लगता है जो इंग्लिश बोलना सीखना है वो बढ़िया करके आ चुका है या अभी कितना समय और लगने वाला है? सर आ भी चुका है और सर और भी फ्लुएंट होना है सर इंग्लिश। क्या लगता है कि इंग्लिश बोलना सीखकर हम क्या कर सकते हैं? आपको भाई अभी जैसे 1.5 महीना हो गया, हमने भी पढ़ाया है, बताया है, सिखाया, समझाया है, तो आपको क्या समझ में आ चुका है अब तक? सर अभी तक तो बहुत कुछ समझ में आ गया, जैसे पास्ट की बात कैसे करेंगे, आने मतलब आगे फ्यूचर की बात कैसे करेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि इंग्लिश आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर सकती है, ये बात कैसे समझ में आई है अभी? सर इंग्लिश बोलने से सर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है। ठीक है, जैसे आगे हमें इंटरव्यू वगैरह देने होंगे इंग्लिश में तो सर हम वो भी कर सकते हैं आसानी से अगर हमने इंग्लिश सीखी है। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सही उम्र क्या है, किस उम्र में बच्चे को यहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए? सर कोई भी। अच्छा, क्या यूट्यूब की वीडियो देख करके इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है? यस सर, मैंने खुद को ये मतलब मैंने भी देखी है यूट्यूब की वीडियो, आया है सर उसमें भी समझ में आया है उससे भी। तो इन बच्चों को यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद क्या करना चाहिए? सर वीडियो के साथ बोलना चाहिए, आप वीडियो में भी बुलवाते हैं सर तो उसके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन्हें कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर अकेले, अगर आपके साथ कोई नहीं है बोलने वाला इंग्लिश तो आप अकेले बैठकर भी इंग्लिश की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कैसे करती हैं अकेले बैठकर प्रैक्टिस?
सर मैं तो नॉर्मली अपने पापा के साथ भी कर लेती हूँ, अकेले भी ऐसे हो जाती है सर, जैसे खुद से क्वेश्चन पूछना, मिरर के सामने बैठकर खुद ही आंसर देना हो जाता है सर। ओके, तो गाइस देखा कैसे ये 8th क्लास की स्टूडेंट, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट फील कर रही है, और इन्होंने ये सब छोटी छोटी बातें सीख ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इंग्लिश बोलना सीखना जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, और आपने शायद शुरू कर भी दिया होगा। तो इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कैसी लगी हमारी स्टूडेंट रितिका, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए इंटरव्यू में। थैंक यू।